गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो यहाँ पे ये जो क्लिप है ना, ये आज वाली क्लिप वो बाकी रह गई थी। एक्चुअली मैंने बाकी रखा हुआ था जानबूझ के कि आज हमारी एनिवर्सरी है, तो मैंने कहा आज ये फाइनल जो मैरिज फंक्शन है वो आपके साथ कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये जो सारे क्लिप्स है वो डाल दिए हैं। जितना कम मेरे से क्लिप हो सका है उतना कम मैंने वो किया है, मतलब 1.5 घंटे के वीडियो में से मैंने कुछ सेकंड्स के निकाले हुए हैं क्लिप्स, तो आप देख लीजिएगा। अभी सारा कुछ तो पॉसिबल नहीं है कि हम डाल सके, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है लंबा वीडियो। कल के बहुत ज़्यादा ही लंबे हो गए थे, वीडियो जो था कुछ 12.5-13 मिनट का हो गया था। ये फिर यहाँ पे ये सारी जयमाल वगैरह प्रोसेस हुआ, उसके बाद यहाँ पे मौसी जी हैं और मौसा जी हैं, तो इन लोगों ने रिंग सेरेमनी भी वहीं पे कराई। मतलब उनकी तरफ से रिंग गिफ्ट था हमको, तो उनका ऐसा था कि आप अभी एक्सचेंज कर लो, तो हमने एक्सचेंज कर लिया वो भी। उसके बाद यहाँ पे ये मेरी फैमिली की तरफ से सब लोग आ गए थे, यानी मेरे पेरेंट्स लोग आ गए थे। फिर यहाँ पे ये मेरी बुआ सासू माँ हैं, आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया है, तो वो आई थी स्टेज पे। यानी सभी लोग आए थे, पर मुझसे जितना हो सका मैंने उतना क्लिप ऐड किया है, क्योंकि बहुत सबका, यानी मुझे तो सबका ऐड करना था लेकिन फिर वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने कुछ ही लोगों का इस तरीके से वीडियोस जो क्लिप है वो ऐड किया है। तो यहाँ पे स्टेज पे वैसे भी मतलब 1.5-2 घंटे निकल ही जाते हैं, 2 घंटे, क्योंकि बहुत लोग आते जाते रहते हैं। तो अगर उतना मैं क्लिप ऐड करने जाऊँ तो पूरा वीडियो, पूरा शादी का एल्बम ही बन जाएगा मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैंने सारा बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से थोड़े बहुत जो थे वो मैंने आपको दिखा दिया है, कि इस तरीके से कुछ आपको आइडिया आ जाए। तो यहाँ पे कैसे लग रहे हैं हम दोनों आप ज़रूर बताइएगा हमको कमेंट सेक्शन में। और ये आ गई हमारी फैमिली, यानी मम्मी पापा और इनके दोनों भाई लोग और हम लोग, मतलब सब लोग ऐसे ही पिक्चर्स वगैरह कुछ क्लिक हुई, बहुत सारी पिक्चर्स जो हमारी साथ में क्लिक हुई हैं, पर मेरे से जितना हो सका उतना मैंने कमी लिया है, क्योंकि बहुत, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत लंबा हो जाता है यार वीडियोस। तो यही सारी चीज़ें हैं, बहुत स्पेशल डे है फिलहाल, लेकिन देखते हैं अभी तो आप देखो कैसे सब लगते हैं। नहीं, 5 साल पहले की ही बात है और ऐसा लगता है कैसे अजीब अजीब सब दिख रहे हैं, मतलब मुझे तो बहुत ही सब अजीब अजीब से दिख रहे थे। और अभी देखो तो ऐसा लगता है अभी लोग ज़्यादा बेटर दिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और फिर आगे भी हम 4-5 साल पहले बाद में देखेंगे तो लगेगा वो हो जाता है। फिर यहाँ पर ये मेरे सारे, यानी जो प्रतीक के बहन भाई सब लोग हैं, वो सारी चीज़ें उसका कंप्लीट किया गया। उसके बाद यहाँ पे लाके फिर मतलब दुल्हन को लाके, हमारे में ना पीली कलर की साड़ी ही पहना के शादी की जाती है, तो वो पूरा कपड़े चेंज कराया गया, फिर पीली कलर की साड़ी में कलर वगैरह लगाते हैं, वो सारी चीज़ें की गई। फिर यहाँ पे पापा, यानी क्या बोलते हैं इसको, द्वार पूजा करना या जो भी पता नहीं, तो वो कर रहे हैं पापा। अब गांव में चीज़ें समझ में आती हैं, यहाँ तो पता नहीं कैसे, अब जो भी, तो ये पापा कर रहे हैं द्वार पूजा। मतलब इस तरीके से वेलकम किया जाता है दूल्हे का, तो पापा इस तरीके से कर रहे थे। बहुत लंबा है ये भी प्रोसेस, पर मैंने बहुत जितना हो सका है मेरे से मैंने उतना मिनिमल रखा हुआ है कि आपको एक देख के सिर्फ आइडिया आ जाए बस उतना। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, ये हैं मेरे बड़े पापा, इन द सेंस मेरे जो पापा हैं, मेरे जो पापा हैं वो 3 भाई हैं, तो ये मेरे 2nd नंबर वाले पापा हैं, बड़े पापा। तो वो आए हुए थे मुंबई से, क्योंकि जो गांव में रहते हैं ऑन द स्पॉट चीज़ें सबको पता चली थी, तो एक दिन में तो पॉसिबल है नहीं कि गांव से सब आ जाएंगे, तो इसलिए इनका पॉसिबल था तो ये आए थे। बाकी मेरे पेरेंट्स की तो आपको पता ही है चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हुई थी और हॉल हमारा इतना अच्छा था। और यहाँ पे देखो ये, यानी भैया ये मेरे बड़े भाई हैं जो कि वो पानी देते हैं जब कन्यादान पे, इन्होंने हमारे घर में सभी का इस तरीके से किया हुआ है, यानी दीदी लोग का, मेरा, तो इनकी यही ड्यूटी एक बन गई है कि जिसका जब भी शादी वगैरह रहता है ये फॉर्मेलिटीज़ जो है ये भाई ही करते हैं, क्योंकि हमारे बड़े घर में सबसे बड़े हैं, तो इसलिए यही भैया करते हैं। उसके बाद ये कन्यादान हुआ, इमोशनल मोमेंट तो बहुत था पर फनी भी था, क्योंकि मुझे रोना ही नहीं आ रहा था। तो यही सारी चीज़ें हुई हैं। और आप देखो मतलब कन्यादान कंप्लीट किया गया, बहुत सारे मतलब क्लिप्स थे कन्यादान वगैरह के, लेकिन फिर मैंने सारे हटा दिए हैं, जो जो थोड़े थोड़े हैं मैंने ऐड किए हैं, आप देखना। फिर यहाँ पे कन्यादान इस तरीके से हल्दी वगैरह पता नहीं लगाते हैं, आपके यहाँ कैसा होता है ना रिचुअल्स ज़रूर बताइएगा, हमारे यहाँ तो इस तरीके से ही होते हैं।
उसके बाद यहाँ पे कुछ हल्दी वगैरह लगाते हैं। और पापा, देखो पापा से मेरे नीचे बैठा ही नहीं जाता, उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी कैसे कैसे वो मैनेज कर रहे थे। यही है यार, एज होने के बाद यही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है इंसान को नीचे बैठने से। और मतलब ये कन्यादान देने में उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी वो कैसे कैसे 2 मिनट के लिए बैठे हुए थे। तो ये कन्यादान वगैरह पापा ने किया। अब देखो है था तो कोई नहीं, लेकिन मेरे इस शादी में ना, मेरे शादी में जितना मेरे ये पापा रोए हैं ना, मुझे नहीं लगता वो कभी रोए होंगे इतना। लेकिन ठीक है, अभी वो सारी चीज़ें तो बहुत ही मतलब इमोशनल हो जाती हैं। और ये है मेरे जेठ जी, आपने पिछले ब्लॉग में देखा है इनको, मेरे जेठ यानी यही लगते हैं। तो इन्होंने ही ताकपात डाला था, हमारे में बोलते हैं ताकपात डालना, यानी इसी दिन इन जो जेठ हैं वो ये सब करते हैं, उसके बाद वो छूते नहीं हैं मतलब अपने भाइयों को। तो इसलिए वो जेठ मतलब लगते हैं, इसलिए उन्होंने किया था, मतलब बुआ जी के बड़े बेटे हैं। और यहाँ पे ये मेरा क्लिप मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने कहा क्यों ना डाल दिया जाए, और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे लावा परछन की तैयारी चल रही थी। लावा जो होता है वो परछते हैं। अब इसमें भी बहुत बड़ा सीन हो गया था कि लावा दिया गया था बनाने के लिए, पर लावा लाया ही नहीं गया। तो हमारी शादी में फिर ममरा जो आता है ना, लाई जिसको बोलते हैं यूपी में, तो वो उससे किया गया, क्योंकि लावा तो था ही नहीं। तो फिर ये हुआ कि अब रात के 2 बजे कौन आपको लावा देगा शॉप खोल के। तो ये पंडित जी ने बोला कि ममरा से हम करेंगे लावा परछन। तो आप सोचो हमारा फिर ममरा से लावा परछन किया गया। तो चीज़ें तो कुछ इधर उधर ही हुई थी, लेकिन अच्छा है यार, मतलब जैसा भी हुआ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। फिर यहाँ पे ये सबसे यानी इम्पॉर्टेंट पार्ट बोला जाता है शादी का, इसको बोलते हैं कि इस तरीके से करते हैं तो लाइफ टाइम कुछ अच्छा रहता है, या जो भी ऐसा कुछ पंडित बता रहे थे, पता नहीं। फिर यहाँ पे ये चाचा जी हैं जो कि सिंदूर दान में सिंदूर भर रहे हैं। और अब सिंदूर दान का भी बहुत बड़ा केस था, सिंदूरा लाना रहता है, लेकिन पता नहीं था सोहगईला लाना रहता है, लेकिन ये सिंदूरा मम्मी ने ले लिया था क्योंकि पता नहीं था। फिर यहाँ पे सिंदूरा जो है वो बहोरा जाता है, मतलब हमारे में या तो भाभी बहोरती हैं या तो बुआ बहोरती हैं। तो बुआ तो मेरी थी नहीं, तो भाभी ने ही कर दिया था, ये बड़ी भाभी हैं तो उन्होंने कर दिया था। फिर उसके बाद मतलब लड़का भी एकदम छुपा के ही करता है, कोई देखता नहीं है, तो इसलिए फिर में फोटोग्राफर वाले ने बोला भाई आपको फोटोज तो निकालने हैं, तो आप थोड़ा सा खाली ऐसे ही लेके एक्शन कर दो। तो इस तरीके से किया गया था, क्योंकि जब लड़का सिंदूर बहोरता है ना, तो सबको यानी आंखें बंद करनी पड़ती है, देखना नहीं रहता सबको, ऐसा हमारे में कहा जाता है। तो इस तरीके से फिर ये मंगलसूत्र लास्ट में पहनाया गया, आशीर्वाद दे दिया गया। तो इस तरीके से हमारी हो गई शादी संपन्न। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के